नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन। तो ये फ्रंट नेक डिजाइन है, तो यहाँ पे मैं इस तरह लेस और मोतियों से इसमें डिजाइन बनाऊंगी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाना बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पे हमने अपने सूट का फ्रंट पार्ट ले लिया है और इस तरह बुकरम ले लिया है। तो पहले हम बुकरम पे गला डिजाइन करेंगे। तो इस तरह गले की चौड़ाई ऊपर मैंने 3 इंच रखी है, गले की लंबाई यहाँ 6 इंच, गले की चौड़ाई भी नीचे 3 इंच रखेंगे। इस तरह इसको सीधा मिला लेते हैं। अब यहाँ पे अपना गले का गोल शेप बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे गले की कटिंग कर ली है। अब इसको हमें इस तरह से देखिए बीच से हमें कट कर लेना है। इस तरह कट करने के बाद जो हमने नेक कट किया था उससे जो अंदर वाला पार्ट निकला है उसी से हम यहाँ कुर्ती पे कट करेंगे। इस तरह ड्रॉ करने के बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद बीच में हमें एक कट का निशान लगाना है यहाँ पे, देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हमें पट्टी ले लेनी है। तो सूट के कपड़े से ही मैंने देखिए यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। इस पे मैंने पेपर पेस्टिंग बुकरम चिपका लिया है। पेपर पेस्टिंग बुकरम चिपकाने से यहाँ पे डिजाइन बहुत अच्छे से बनता है और अच्छा भी दिखता है। तो इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 12 इंच ली है, चौड़ाई यहाँ पे इसकी 4 इंच के करीब है। इसको हमें देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से, और 2 इंच इस तरह तिरछा करेंगे। और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आपके यहाँ पे गले की लंबाई जितनी हो उसमें तुम्हें 2 इंच यहाँ गले की गोलाई में 2 इंच कम कट करना है, क्योंकि 2 इंच हमारा यहाँ पे ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज का ध्यान रखें, जितनी भी गले की लंबाई हो उतना पूरा कट कर लेंगे तो 2 इंच ये बढ़ जाएगा, तो आगे का गला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें, जितने भी हमारी यहाँ पे गले की लंबाई हो उसमें हमें 2 इंच कम कर लेना है। अब हमें इसके बिल्कुल देखिए इस तरह से उल्टी साइड इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से।
इस तरह यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हमने जो ऊपर के नेक कट करे थे इसको भी हमें कपड़े पे रख के इस तरह से इस तरह यहाँ सिलाई लगा लेनी है। दोनों को अलग अलग लगाएंगे और यहाँ बीच में देखिए इस तरह से हमने 1 इंच की गैपिंग रखनी है। 1 इंच गैप यहाँ पे इसलिए रखना है क्योंकि देखिए इस तरह से ये गला बन के आएगा। जो 1 इंच हमने यहाँ लिया है उसकी दूरी हमें यहाँ पे बढ़ा के रखनी है। तो इस तरह मैंने यहाँ पिन लगा लिया है। अब इसके बीचों बीच इसको कट कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह हमें इसको भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेक वाले पैटर्न तैयार कर लिए हैं। अब हमें अपना सूट का फ्रंट पार्ट ले लेना है। तो इस तरह फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब यहाँ पे हमें बीच में एक निशान बनाना है। इस तरह निशान बनाने के बाद अब हमें देखिए अपने जो हमने नीचे पट्टी बनाई थी इसको इस तरह रखेंगे, बिल्कुल बीच में रखेंगे। इस तरह रख के यहाँ पे अच्छे से पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा सूट वाला पार्ट उल्टा रखा है और पट्टी भी हमने यहाँ उल्टी रखी है। तो इसको हमें उल्टे पे रखना है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे हमें दो दो पॉइंट की दूरी के हिसाब से सिलाई लगानी है इस तरह से। तो इस तरह हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें बीच का कपड़ा कट कर लेना है और बीच में हमें एक छोटा सा कट लगाना है। ध्यान दे सिलाई ना कटे यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब हमें अपनी पट्टी को इस तरह सीधी तरह पलटना है। तो इस तरह से हमें इसको पलट के इसके ऊपर से एक सिलाई और डाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके किनारे पे लैस लगानी है। तो इस तरह से मैंने लैस ले ली है। अब हमें इसको इसके अंदर इस तरह फिट करते हुए पूरी पट्टी पे इस तरह हमें यहाँ पे लैस लगा लेनी है। इस तरह अंदर डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लैस लगा ली है। इस तरह लैस लगाने के बाद अब हमें अपने नेक पैटर्न ले लेने हैं और यहाँ पे इनमें इस तरह दो दो पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट कर लेंगे। और इस तरह देखिए बिल्कुल यहाँ पे इस तरह मिलाएंगे। इस तरह मिला के यहाँ पे हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। दोनों को हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह यहाँ पे अच्छे से पिन लगा लीजिए ताकि हमारा गला इधर उधर टेढ़ा ना हो। अब हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है।
इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हमें अपने गले को अच्छे से इस तरह से पलट लेना है। यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था आधा इंच, इसको इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे पहले, उसके बाद इसको पलटेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सफाई से गला बन के आएगा। इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह नेक तैयार करने के बाद अब हमें बीच में यहाँ इस तरह व्हाइट मोती लगा लेने हैं। तो इसी तरह हमें पूरे मोती यहाँ पे लगा लेने हैं पहले। तो इस तरह देखिए यहाँ पे मैंने मोती भी लगा लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बहुत ही सुंदर और आसान डिजाइन है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।